देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मामले को लेकर दोनों आरोपी अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन की आज स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेशी हुई, जहां से दोनों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि कोर्ट लाने से पहले दोनों का मेडिकल टेस्ट भी हुआ और आज ही दोनों आरोपियों का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें दोनों होटल रूम बुक करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि एनआईए ने 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने 5 अप्रैल को बताया था कि मुसाविर हुसैन मुख्य आरोपी और अब्दुल मतीन ताहा सह आरोपी है। दोनों ही कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं। दोनों को एनआईए ने गिरफ्तार किया, उसके बाद आज कोर्ट में पेशी हुई, रिमांड पर भेजा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि धमाके के बाद आखिर बंगाल में जाकर क्यों छुपे थे आरोपी, ब्लास्ट के आरोपियों के आखिर कितने मददगार हैं। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट को लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है। दो आरोपी जो पकड़े गए उनको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। और आखिरी बार जिस ड्रीम गेस्ट हाउस में दोनों आरोपी रुके हुए थे, उस गेस्ट हाउस के रिसेप्शनिस्ट अशरफ अली ने क्या कुछ बताया उनके बारे में, आप सुनिए। देखिए, वो जब आए थे 25 तारीख को, और हम लोग का जो है सिस्टम एंट्री, हम लोग आधार कार्ड हो या कोई आईडी कार्ड हो, हम लोग लेते हैं, वो हम लोग को दिखलाएं और हम लोग अपना खाता में पोस्टिंग किए। वो आए थे 25 तारीख को और गए 28 तारीख को। तो एस पर जैसी होता है वो आता है, आए और लिखाएं, पेमेंट किया, अपना रूम में चले गए। इतना ही तक हम लोग जानते हैं। और गतिविधि के बाद जो उतारे, वो अपना जाते थे खाना उना लाने जाते थे अपना, बस इतना ही तक हम लोग जानते थे। हेल्प कम हम लोग से कुछ नहीं लिया है, हमसे जो ड्रिलिंग जो होता है वही ड्रिलिंग तक बात हुआ है। खाना वो लोग अपने लाते थे, हम लोग कोई गेस्ट को, हमारा इधर फूडिंग क्या अलाउ नहीं है, हम लोग फूडिंग्स का, हम लोग का सिस्टमेटिक नहीं है। वहीं से पहले 12 मार्च को दोनों आरोपी कोलकाता के जिस होटल में रुके थे वहां से रानिक दत्ता की खास रिपोर्ट आप देखिए। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस का मेन दो मास्टरमाइंड 1 महीने तक कोलकाता में था। एज पर एनआईए कोलकाता में वो लोग पहुंचे थे 12 तारीख को, और 12 तारीख आके कोलकाता का इसी होटल में रुके थे वो दोनों ही। इस होटल में आकर 12 तारीख सुबह ठीक 10 बजे वो लोग इधर रजिस्टर में, उन लोगों का नाम है, मगर ये जो दो नाम है, मैं एक बार मेरा कैमरा पर्सन अभिजीत को बोलूंगा दिखाने के लिए, ये दो नाम वो लोग इस्तेमाल किए थे। जो दो आईडी उनको उनके पास से प्रोवाइड किया गया था, वो दो आईडी फेक आईडी तैयार किया गया था। एनआईए की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये दो आईडी तैयार करने के बाद वो लोग इस होटल में आए थे। इस होटल में वो लोग पहली टाइम चेक इन किए थे 12 मार्च को। जैसे कि एनआईए की तरफ से इन्फॉर्म किया जा रहा है कि 12 मार्च के बाद से वो लोग बार बार से कोलकाता सिर्फ नहीं, पूरा वेस्ट बंगाल का टोटल 8 स्टेट में टोटल 8 होटल में वो लोग रुके थे और 4 स्टेट में वो लोग घूमे थे। जैसे कि कोलकाता के बाद पुरुलिया, दार्जिलिंग, दीघा, उसके बाद अगला 12 अप्रैल को उनको दीघा का एक होटल से पकड़ा एनआईए का टीम। मैं एक बार पूछने का कोशिश करूंगा कि दादा, ये जो दो लोग कब आए थे? 12 मार्च। वो तो आईडी प्रोवाइड किए थे क्या? आधार कार्ड प्रोवाइड किया। जैसे कि होटल की तरफ से भी कहा जा रहा था कि ये जो दो आए थे, दो आने के बाद आधार कार्ड प्रोवाइड किया गया था, मगर जो दो आधार कार्ड प्रोवाइड किया गया था उसमें वो दो फेक आधार कार्ड है। उनके पास से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किया है एनआईए ऑफिशियल्स और एनआईए की तरफ से। होटल में हिंदू बनकर रुके, इसके अलावा अलग अलग फर्जी आधार कार्ड के जरिए उन्होंने होटल में रूम बुक कराया, तमाम ऐसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस पर और भी अपडेट लेंगे। रानिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रानिक, बंगाल के साथ क्या कनेक्शन इन दोनों आरोपियों का बताया जा रहा है, क्या और डिटेल सामने आ रही है, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ?
एकदम देखिए एनआईए की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ये जो दो मेन एक्यूज है रमेश कैफे ब्लास्ट केस का, ये पिछले महीने यानी मार्च महीने में 12 तारीख को कोलकाता में आए थे। उसके बाद ही कोलकाता सिर्फ नहीं पूरा वेस्ट बंगाल का 4 डिस्ट्रिक्ट में वो लोग घूमे थे, 4 डिस्ट्रिक्ट का 8 होटल में चेकिंग किए गए थे ये दोनों की तरफ से। जैसे कि एनआईए की तरफ से कहा जा रहा था कि 12 मार्च को ये लोग पहले कोलकाता का ये होटल में स्पेनेट एरिया में एक होटल में रुके थे और उसके बाद ही वो चले गए थे। 13 मार्च को वो होटल छोड़ दिए थे। ये 13 मार्च को वो कोलकाता का दूसरा एक जगह पार्क स्ट्रीट एरिया का एक होटल में 1000 रुपया पर डे पर नाइट ये चार्जेस देकर एक होटल रूम लिया गया था। उधर 3 दिन तक रुके थे वो लोग। उसके बाद ही वो लोग दार्जिलिंग के लिए निकल पड़े थे 16 तारीख को। 16 तारीख सुबह वो लोग दार्जिलिंग में पहुंचे थे। 16 तारीख में दार्जिलिंग में पहुंचते ही 16 तारीख से करीब 20 तारीख तक वो लोग दार्जिलिंग में रुके थे, ऐसा एनआईए की तरफ से कहा जा रहा है। उसके बाद ही वो फिर से कोलकाता में आए। कोलकाता का खिदिरपुर एरिया में 2 होटल में एक 24 तारीख को और दूसरा होटल में 25 तारीख को चेक इन किए। और 25 तारीख में जिस ड्रीम गेस्ट हाउस में चेक इन किया गया था उसमें से वो लोग 28 को निकल के पुरुलिया चला गया था। पुरुलिया में वो लोग करीब एक हफ्ते के तरह पुरुलिया में थे, पुरुलिया में घूमे थे, पुरुलिया में बहुत सारे होटल में रुके थे। उसके बाद ही वो लोग काफी यानी दीघा एरिया में चला गया था। दीघा मंदरमणि ये 2 जगह में वो लोग रुके थे। जैसे कि एनआईए की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो 2 मेन एक्यूज है मुसाबिर हुसैन साजिद और अब्दुल मतीन ताहा, ये दोनों के तरफ से बार बार से खुद का परिचय जिस तरीके से गपन किया जा रहा था उसी तरीके से वो लोग फेक आईडी इस्तेमाल कर रहे थे होटल बुकिंग करने के लिए। सिर्फ फेक आईडी नहीं, वो लोग एक हिंदू नाम भी इस्तेमाल कर रहे थे। खुद का जो परिचय दे रहे थे उसमें एक हिंदू नाम दिया जा रहा था। बताइए कि क्या ये जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं पूछताछ में कोई बड़े खुलासे हुए हैं अभी तक? क्योंकि इससे पहले भी दोनों से पूछताछ हुई जब हिरासत में लिया गया। और साथ ही अभी बताइए कि क्या कुछ और भी ऐसे लोग छुपे हुए हैं, आरोपी हैं जो रडार पर हैं अभी, और किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा? एकदम देखिए एनआईए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये दोनों को जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद ही उसके पहले भी एनआईए की तरफ से इनको मॉनिटर में रखा गया था। एनआईए अभी जांच कर रहे हैं कि ये जो 2 मेन एक्यूज पकड़ा गया जिसमें से ये जो 2 नाम मुसाबिर हुसैन साजिब ये आईडी फिट किए थे उस कैफे में, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में। इसके तरफ से ये आईडी को उस कैफे में पहुंचा दिया गया था और एक्टिव किया गया था। दूसरी तरफ अब्दुल मती ताहा ये है पूरा मामले का मास्टरमाइंड, ऐसा एनआईए की तरफ से साफ किया जा रहा है। ये पूरा घटना को किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा, किस तरीके से कौन से रूट में वो लोग जाएंगे और उसके बाद एग्जिट प्लान क्या होगा, ये पूरा प्लान ये अब्दुल मती ताहा की तरफ से तैयार किया गया था और इसी मुताबिक ये तीनों की तरफ से काम किया गया। सिर्फ तीनों नहीं, इसके साथ बहुत सारे लोग शामिल है क्योंकि इनका जो एग्जिट प्लान तैयार किया गया था जिसमें बहुत सारे स्टेट घूम के वो लोग वेस्ट बंगाल में आ पहुंचे थे 12 मार्च को, और ये पूरा रूट में बहुत सारे लोग इनको हेल्प किए थे। वो लोग कौन है उस पे भी नजर है एनआईए का, और सिर्फ एनआईए का ये नजर नहीं है, उसके साथ साथ ही ये दोनों का जो ये दोनों उस जगह में घटना घटने के बाद जो फोन नंबर इस्तेमाल कर रहे थे उसका भी जो नेटवर्क डिटेल्स वो डिटेल्स अभी एनआईए का हथियार होने जा रहा है। एनआईए की तरफ से वो नेटवर्क डिटेल्स के साथ कौन से नंबर के साथ उन लोगों का कांटेक्ट हुआ था, कौन से लोग बिल्कुल साजिश के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, इसकी जांच भी एनआईए की ओर से की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि बंगाल से आखिर कनेक्शन क्या है, और ये जो पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था इस खौफनाक खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए, उसकी तह तक जाने का प्रयास भी होगा। आप रहने हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, दरअसल अधीर रंजन से जुड़ी बड़ी खबर है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ता से बदसलूकी की है, आरोप है अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा है। टीएमसी ने अधीर रंजन का वीडियो भी जारी कर दिया है। इससे पहले भी अधीर रंजन टीएमसी को लेकर